हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 1-2 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी वन कट अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना सिखा रहे हैं। इसमें हमने डोरी डाली हुई है बीच साइड में से, जो कि बेबी के पहनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसमें हमने 70 सेंटीमीटर फैब्रिक प्रिंट कर लिया है और 25 सेंटीमीटर फैब्रिक प्लेन लिया है पाइपिंग और डोरी के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 पीस ले लिए हैं जिसकी लंबाई 23 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 23 इंच है। हमने दोनों बिल्कुल चकोर पीस ले लिए हैं। अब हम इसको ऐसे उठाते हैं और इस तरीके से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी 4 पीस यहाँ से हो गए हैं। अब हमें इसका शोल्डर 4 इंच रखना है और आर्म होल भी ऐसे करते हुए 4 इंच रखना है। यहाँ से हम चकोर कर लेते हैं। अब चेस्ट की चौड़ाई हमें 6.5 इंच रखनी है। वेस्ट लाइन इसकी हमें 4 इंच रखनी है और वेस्ट 6.5 इंच रखनी है। अब आर्म होल में हम इसकी गोलाई कर लेते हैं। नेक की चौड़ाई हमें इसकी 1.5 इंच रखनी है और लेंथ में इसको 2.5 इंच रखना है। ऐसे करते हुए हम इसमें गोलाई कर लेते हैं। यहाँ से हम इसकी चौड़ाई लेते हैं नेक के बिल्कुल बीच में से, सेंटर साइड से, और इसके करते हुए ऐसे माप लेते हैं। सब जगह से हमें इसमें 20 इंच पर ही निशान लगाना है। अब इन निशानों को हमें ऐसे करते हुए मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल भी हम इसके ऐसे ही कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देख सकते हैं हमारी कितनी प्यारी सी इसमें शेप आ गई है। अब यहाँ से हम अपनी बेल्ट के लिए, जो हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, 8 इंच की लंबाई पर निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को ऐसे करते हुए मिला लेते हैं। दूसरी साइड में भी हमें सेम 8 इंच की लेंथ पर ही ऐसे करते हुए निशान लगा लेना है। आप देख सकते हैं इसके कितने ज़्यादा घेर हो गए हैं। अब हमें एक पीस को अलग कर देना है और एक पीस में इसके कट लगा लेना है। आप 2 से 3 इंच तक इसमें कट लगा ले सकते हैं। हमने ये पट्टी ली है जो कि बीच से कटिंग कर देते हैं और यहाँ पर इसको लगाना है। ये हम पाइपिंग काट रहे हैं। पाइपिंग की चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। पाइपिंग हमारी फुल रेब की होती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, फिनिशिंग उसमें बहुत ज़्यादा आती है। अब हम इसको ऐसे करते हुए सभी पाइपिंगों को अपनी कट कर लेते हैं। ये पाइपिंग हम नेक और आर्म होल के लिए कटिंग कर रहे हैं। ये हमने 2 पट्टी सीधी ली हैं, ये हमारी रेब की नहीं है, जिसकी चौड़ाई 12 इंच है और लंबाई इसकी 1 इंच है। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर रखकर ऐसे करते हुए हमें इसको जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ था योक का, दोनों साइड से फोल्ड करके इसको हमें लगाना है। ऐसे हम इस पट्टी को लगा लेते हैं। दूसरी पट्टी भी सेम हमें इतनी ही कट कर लेनी है। अब हम बेक नेक तैयार करते हैं। बेक नेक की जो पट्टी हमने काटी हुई है उसको हमें इस तरीके से अपने नेक पर रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई को हम दूसरी साइड में पलट लेते हैं। बीच में हम हल्का सा कट लगा लेते हैं ताकि पट्टी अच्छी तरीके से पलटी जा सके। अब इसको अंदर की साइड को करते हुए इसके किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें ऐसे करते हुए इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से किनारे पर सिलाई लगाकर अब अगर आप पट्टी लगाते हैं तो आपकी पट्टी में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और ये आसानी से मुड़ जाती है।
हमने पट्टी अपनी लगा दी है। अब हमें इस पट्टी को लगाना है। इस साइड से हमने फोल्ड कर लिया है पट्टी को और अंदर की साइड को, ऊपर की साइड से भी हम अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देते हैं। ये पट्टी हमें सिलाई का हिस्सा छोड़ते हुए लगानी है। फ्रॉक में जो हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं उससे आधा इंच की दूरी पर हम ये पट्टी लगा रहे हैं, जिससे ये पट्टी साइड की सिलाई में ना आए। दूसरी साइड में भी हमने ऐसे ही पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। ये पीस हमने तैयार कर लिया है। दूसरा पीस भी हमें सेम ऐसे ही तैयार कर लेना है। दोनों पीस हमने तैयार कर लिए हैं पट्टी लगाकर। अब हम शोल्डर पर सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स, शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे जब हम स्लीव्स या पाइपिंग वगैरह लगाते हैं तो ये खुलते नहीं हैं। फ्रंट साइड पर हमें इसकी ऐसे करते हुए गहराई कर देनी है। इससे आर्म होल की फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब हम इसकी पाइपिंग लगाते हैं। पाइपिंग को हमें बैक साइड पर रखना है फ्रॉक के, और फ्रंट साइड को पलटना है। पाइपिंग को धीरे धीरे से सब जगह से खींचते हुए लगाना है। कहीं से भी हमें अंदर की साइड से पाइपिंग का कम या ज़्यादा हिस्सा नहीं लगाना है। सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल बराबर लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें पाइपिंग के अंदर का कट नहीं करना है। इसको अंदर की साइड को ही फोल्ड कर देना है, जिससे ये पाइपिंग थोड़ी सी टाइट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तैयार होती है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी ये पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है। अब नेक पर भी हमें ऐसे ही पाइपिंग को लगा लेना है, और दूसरी साइड के आर्म होल पर भी पाइपिंग ऐसे ही लगा लेनी है। हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हमने ये एक स्ट्रिप ली है, इस पर हम सिलाई लगाकर बारीक कर लेते हैं इसको। ये हमें बैक साइड के नेक पर लगानी है। इसको ऐसे डबल कर लेना है और यहाँ पर रख कर जिस साइड से हमने इसका हिस्सा खोला हुआ है, इस साइड से पाइपिंग के अंदर की साइड को इसको रख देते हैं, जिससे इसकी सिलाई पाइपिंग के अंदर आ जाए। और पाइपिंग को ऐसे करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। जिस सिलाई से हमने पाइपिंग लगाई थी उस सिलाई को भी हम इसी पाइपिंग के नीचे दाब देते हैं, जिससे अंदर की सिलाई हमारी चमकती नहीं है और पाइपिंग बहुत प्यारी सी बनकर तैयार होती है। ये देख सकते हैं हमने अपनी ये पाइपिंग लगा ली है और लूपी भी इसमें लगा ली है। अब हम इसमें साइड की फ़िटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। इसमें थोड़ी सी ही साइड की फ़िटिंग की सिलाई हमें लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें हम डोरी डालेंगे तो उससे इसकी फ़िटिंग बैठ जाती है बहुत ही प्यारी सी। दूसरी साइड से भी हमें फ़िटिंग की ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा घेरा है, घेरे को हमें अंदर की साइड को ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। घेरे को हमें चौड़ाई में ज़्यादा नहीं मोड़ना है। बारीक सा घेरा अगर आप मोड़ते हैं तो आपके घेरे में कभी भी झोल नहीं आएगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक साइड में हमने ये पट्टी लगा दी है, लुप्पी लगाई है अपनी, और एक साइड में हम बटन लगा देते हैं। और घेरा हमने दो सिलाई से फोल्ड किया हुआ है। ये देख सकते हैं हमारी लुप्पी और बटन लगकर तैयार हो गया है। अब ये बीच की साइड में हमने ये डोरी ली है। ये हमने रेडीमेड डोरी ली है, आप कपड़े की भी डोरी इसमें सीकर लगा सकते हैं। अब हम इसको एक साइड से ऐसे करते हुए पिरोते हैं और दूसरी साइड से डोरी को निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी इसके डोरी पिरो देनी है। ये दूसरी डोरी हम बैक साइड में पिरो दी है। अब हम इसको बेबी के फिटिंग के हिसाब से कम या ज़्यादा बांध सकते हैं। इसमें बीच में प्लेट्स आ जाती हैं, जो कि पहनकर बच्चों के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है, और बहुत आसानी से ये फ्रॉक आप घर पर ही बना सकते हैं। चुन्नटें इसकी इस तरीके से बराबर कर लेते हैं। अब हम इसमें लुप्पी लगा देते हैं। फोर पीस लुप्पी का हमने ले लिया है। ये चौड़ाई में और लंबाई में
1.5 इंच है और चौड़ाई में 3 इंच है। इसको हम ऐसे डबल कर लेते हैं और इसके अंदर अपनी डोरी को रखते हैं और उस पर सिलाई लगा लेते हैं। सभी पीस को हमें ऐसे ही लगाना है। अब हम इसको पलट लेते हैं और इसकी ऐसे मिलाते हुए गोलाई की शेप कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, हमारी फ्रॉक कितनी प्यारी सी बनकर तैयार हो गई है। हम यहाँ से अपने बेबी को पहनाकर उसके हिसाब से इसकी फिटिंग बांध सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।